नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज ललितपुर के जिलाधिकारी और एसपी ने कोरोना वायरस से जनपद को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हाईवे से निकलने वाले वाहनों को न रोका जाए, इसके अलावा खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक न लगाई जाए। उन्होंने साफ कहा कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश किसी तरह न हो सके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को कहा कि वह सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सजग रहें। जिलाधिकारी ने इस बात के लिए भी अधिकारियों को निर्देश किए कि वह इस व्यवस्था को देखें कि किसी भी प्रकार से खाद्यान्न की सामग्री का रोकाजाही न हो, अन्य लोग किसी तरह से भी प्रवेश न कर सकें सीमा में। इस दौरान उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और संतोष जाहिर किया। जिलाधिकारी के साथ एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। ललितपुर से मार्केट संवाद के लिए ब्रजेश तिवारी के साथ संजय नायक की रिपोर्ट।